In this video, we are going to solve questions of exercise 9.4. Start with first question, multiply the binomials. First question है, उसमें आपके पास binomials given है और आपने उनको multiply करवाना है, okay? Multiply means उनको product find out करना है. First binomial दिया गया है 2x plus 5 and 4x minus 3. इन दोनों को क्या करवाना है? Multiply. बच्चे जब monomial को binomial से multiply करवाते थे तो कैसे करवाते थे? ये जो first वाला है, इससे पहले इसको multiply, फिर इसी से इसको multiply, second से same चीज करनी है. पर यहाँ पे अब क्या है? Monomial की जगह binomial है, तो first term से पहले इस सारे bracket को multiply करवाएंगे, फिर 5 से इस सारे bracket को multiply करवाएंगे. So हम question को solve करते हैं. पहले इस वाले 2x से किसको multiply होगा? 4x को. 2x plus 5 and 4x, देखिए 2x plus 5 एंड की जगह लगा दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाना है ना, 4x minus 3, ओके? इससे पहले किसको मल्टीप्लाई होगा? दिस टर्म को, 2x मल्टीप्लाई 4x. क्या आएगा हमारे पास? 4 और 2 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 और x मल्टीप्लाई एज x स्क्वायर. उसके बाद इसी 2x से किसको मल्टीप्लाई होगा बच्चे? माइनस 3 को. 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 2 3 जा 6 और 8 बच गया x. क्लियर? उसके बाद ये 2x मैंने इस सारे से मल्टीप्लाई करवा लिया, 2x को निगलेक्ट करेंगे और प्लस 5, 5 का काम स्टार्ट हो गया. 5 से करोगे पहले मल्टीप्लाई किसको? 4x को. सो प्लस 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 का साइन आएगा, 5 4 जा 20x, ओके? अब 5 से किसको मल्टीप्लाई करवाना है? माइनस 3 को. प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15. अब दोनों हमारी टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया, आंसर में क्या बचेगा? 8x स्क्वायर. अब देखिए x स्क्वायर और 6x, इन दोनों को मैं आपस में माइनस नहीं कर सकती थी क्योंकि हमें पता है हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होती है, ये अनलाइक टर्म्स है. बट 6x एंड 20x लाइक टर्म्स है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगता है? बड़ी टर्म का. 20 बड़ी है, 20 में से 6 गए, 14x माइनस 15, ये आ गया बच्चे आपका आंसर. इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट्स को करेंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहे. पहले फर्स्ट टर्म से इस सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से इस सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई. सेकंड पार्ट को देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा. सेकंड पार्ट है y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4. मल्टीप्लाई करवाओ, y माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 4. फर्स्ट ऑफ ऑल y से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई एक एक करके करवाते हैं. y मल्टीप्लाई 3y, 3y स्क्वायर. क्लियर? आगे नेक्स्ट क्या है? y मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4y. ठीक है, y से मल्टीप्लाई हो गया, इसको निगलेक्ट करेंगे. अब किसका काम स्टार्ट हो गया? माइनस 8 का. माइनस 8 मल्टीप्लाई 3y, 8 3 जा 24. साइन किसका लगेगा बच्चे? प्लस माइनस माइनस 24y. क्लियर? एक ही वाई है, एक ही बार लगेगा. आगे माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 को. अब माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, ओके? ये आपके पास आगे क्या बन जाएगा? 3y स्क्वायर. ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऑपरेट करवा दो. माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा? बढ़ेगा, 24 बढ़ेंगे. 24 प्लस 4 28y प्लस 32, ये आपके पास आ गया बच्चे आंसर, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन इजी है ना, बस पहले ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है. ऐसा नहीं है कि एक से करवा के इसमें स्टार्ट कर दिया करवाना, पहले टर्म वाइज चलना है, इससे इस पूरी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस वाली से इस पूरी को मल्टीप्लाई करवाना है. एक और पार्ट सॉल्व करके देखते हैं. नेक्स्ट इज 3/4 a² + 3b² and 4 into a² - 2/3b². बच्चे ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है पहले इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो 4 है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट से बाहर वाले टर्म का मतलब होता है अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है. सो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. सो 3/4 a² +
करवाएंगे किससे? 4 से पहले a स्क्वायर को मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, क्लियर? आगे 4 2 सा 8 माइनस j से वैसे लगा लो 4 2 सा 8 न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर, क्लियर? ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इस वाले से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर इस वाले टर्म से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। स्टार्ट कीजिए 3/4 a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होंगे, पहले 4 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाय 4 a स्क्वायर, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस माइनस, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या बचेंगे 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3 b स्क्वायर। फर्स्ट वाली टर्म हमारी मल्टीप्लाई करवा दी हमने, उसके बाद साइन किसका है बच्चे, प्लस के 3b है ना, तो यहाँ पे लगेगा प्लस। अब देखो प्लस 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 के आएंगे 3b स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप 4a स्क्वायर को, यहाँ पे आएगा 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर, क्लियर? ये वाली टर्म क्लियर हुई, प्लस 3b स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 8/3 b स्क्वायर। अब हमारी ब्रैकेट्स ओपन हो गई, ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद बच्चे देखेंगे कुछ आगे सॉल्व होता है कि नहीं, ये 4 डिवाइड में है ये मल्टीप्लिकेशन में, ये आपस में 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 4 4 4 1 4, यहां पे कुछ कैंसिल होता है 3 से 3 कैंसिल, 4 1 4 2 8, ओके? यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं होता और यहां पे 3 से 3 कैंसिल होता है, ओके? सो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे बचा 4 1 1 ये तो 3 और 1 3 एक a स्क्वायर a स्क्वायर क्या बन जाएगा a की पावर 4, माइनस का साइन जैसे है वैसे लगा दो और यहां पे क्या बचेगा 3 से कैंसिल है ये भी कैंसिल है, यहां पे बचा ओनली 2b स्क्वायर, यहां पे बचा 2b स्क्वायर, ओके? प्लस 4 3 सा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर जैसे है वैसे लग जाएंगे, माइनस यहां पे क्या बचा हमारे पास 8b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, क्लियर है? अब बच्चे देखेंगे कुछ है जो कट होता है, अब a की पावर 4 है और यहां पे a की पावर 4 और नहीं है, तो a की पावर 4 को तो ऐसे लिख देंगे 3 a की पावर 4, अब b स्क्वायर है, b स्क्वायर और भी है ना नहीं पे, अब ये माइनस का है ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका लगता है बढ़ेगा 8 बढ़ेंगे 2 में 8 ऐड किए 10 b स्क्वायर, क्लियर? आगे प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब सारी अनलाइक टर्म्स हैं। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको इसी बेस पे हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है, दो बाइनोमियल टर्म्स हमारे पास दी गई है, 5 -2x फर्स्ट टर्म है और 3 प्लस x सेकंड टर्म है, बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया सिमिलर करेंगे। फर्स्ट टर्म का मतलब है 5 -2x को मल्टीप्लाई करवाना है 3 प्लस x से, यहां तक बच्चे क्लियर है? मैंने बताया फर्स्ट टर्म को पहले इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 × 3 उसके बाद 5 × x प्लस 5 × x क्लियर, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा 2x × 3 उसके बाद प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा 2x × x 2x × x क्लियर। अब ये कितना बन जाएगा बच्चे 5 × 3 = 15 प्लस 5 × x 5x प्लस माइनस माइनस 3 × 6x माइनस 2x कितनी है 2x की पावर 2, ओके? आप देखेंगे कोई है इसमें लाइक टर्म्स, यस दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो ये बच गया 15 प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का लगेगा बड़ी वाली का 6 बड़ी है माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म्स यही तक है, ओके? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलर
वन की तरह है और कुछ भी नहीं करना है, बस दो बाइनोमियल्स दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक और पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला गया है टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है 2p प्लस क्यू स्क्वायर। बाइनोमियल्स हैं, स्टार्ट कर दो। टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2p प्लस क्यू। यहाँ तक क्वेश्चन लिखा, आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाएंगे, इस सारे ब्रैकेट से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाओगे। टी स्क्वायर 2p प्लस 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 का आएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p। ओके, अब टी स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई है, क्यू को, प्लस का साइन, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। ओके, अब प्लस माइनस माइनस, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस के है ना, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p, फर्स्ट टर्म को करवा दिया, प्लस माइनस माइनस, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आपके पास बन गया पी, कितने बन गए, ये दो पी थे और एक पी, ये पी की पावर 3 और 2 वैसे रह गया 2p की पावर 3, 2p रेज टू पावर 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू, वन टाइम ओनली पी स्क्वायर क्यू बन गया, माइनस 2p क्यू स्क्वायर, क्लियर, माइनस क्यू की पावर 3। अब हम चेक करेंगे कि कोई लाइक टर्म है या नहीं है, ये देखो पी की पावर 3 है और कोई नहीं है, क्यू की पावर 3 ये है। ओके, यहाँ पे पी का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है, सारे अनलाइक टर्म्स हैं, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको बोला गया है सिंप्लीफाई करना है, आपने फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो जो ऑपरेशन बोले गए हैं उनको अप्लाई करना है और जहां तक वो क्वेश्चन सॉल्व होता है वहां तक सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब इसमें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, उसके बाद 25 ऐड होंगे। कल मैंने आपको बॉर्ड मास में बताया है पहले मल्टीप्लीकेशन होगी तभी एडिशन होगी, सो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन, तब से करें, अब आपको आ गई पहले एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर से इस वाले से इस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट टर्म से अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करवा लिया, अब नेक्स्ट किस कौन सी टर्म चलेगी, -5 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस, सो 5 मल्टीप्लाई 5, जो प्लस के 25 है लास्ट में बच्चे को एज इट इज लिख देंगे अभी। ओके, इनको एज इट इज लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, एक्स कितने हो गए 3, एक्स रेज टू द पावर 3, क्लियर, प्लस जैसे है वैसे लगा दो, 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, क्लियर, माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 25, क्लियर। आप यहां पे देखिए x की पावर 3 है और x की पावर 3 कहीं नहीं है, तो x की पावर 3 ऐसे ही लिख देंगे प्लस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर और टर्म में नहीं है, 5x स्क्वायर एज इट इज 5x। अब देखो आगे कहीं पे भी x नहीं लगा किसी के साथ, बट यहां पे क्या है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 25 में से 25 जाएंगे, क्या बचेंगे 0, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x आया, ये बच्चे हमारा आंसर है। ओके, इससे ज्यादा इसको सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते, एक और पार्ट को देखते हैं आपको ज्यादा क्लियर होगा। बच्चे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपको बोला गया है a प्लस b प्लस c। ओके, अब इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चे, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। ओके, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस वाले टर्म से, a प्लस b माइनस c है, क्या वाली मल्टीप्लीकेशन। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहा कि 2 टर्म्स वाली हमने सीख ली, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना भी इजी है, बस पहले इस टर्म से इस सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर इस वाले से इस सारे को मल्टीप्लाई और इस वाले से इस सारे को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। सो बच्चे ये जो ट्राइनोमियल टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a, सो इस a से पहले इस सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा a मल्टीप्लाई a। ओके, फिर इसे इसे b को मल्टीप्लाई प्लस का साइन, क्योंकि दोनों प्लस के टर्म्स हैं, a मल्टीप्लाई b, उसके बाद इसे इस
मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई सी क्लियर। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई हमने करवा दिया, सेकंड टर्म क्या है हमारी बी, अब प्लस 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 बी मल्टीप्लाई ए क्लियर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बी मल्टीप्लाई बी, उसके बाद नेक्स्ट बी मल्टीप्लाई माइनस सी, प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे बच्चे सी है ओके। फिर इस सी से पहले ए को मल्टीप्लाई, फिर इस सी से बी को मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस माइनस माइनस सी से सी को मल्टीप्लाई क्लियर। यहां तक पता लग गया, अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे क्या आया ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी ए सी ओके। या फिर आगे प्लस बी मल्टीप्लाई ए, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, मल्टीप्लिकेशन में सेम मतलब होता है। मैं ए बी लिख रही हूँ प्लस ए बी, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर ओके, माइनस बी मल्टीप्लाई सी बी सी, प्लस सी मल्टीप्लाई ए, चाहे सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, मैं ए सी लिख रही हूँ ओके, प्लस सी मल्टीप्लाई बी बी सी माइनस सी स्क्वायर, तो टाइम सी है ना। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आप चेक करेंगे लाइक टर्म्स को, ए स्क्वायर ओनली वन टाइम है, वन टाइम लिख लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट में लिखूंगी ए बी, ए बी कितनी बार है बच्चे एक ए बी, ये है आपका एक ए है ए बी प्लस ए बी टू ए बी क्लियर। उसके बाद ए सी को चेक करेंगे, एक ए सी मेरे पास ये है, ये किस चीज का है बच्चे माइनस का, और एक ए सी ये है, ये किसका है प्लस का, ए सी में से ए सी माइनस करूंगी जीरो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास बच्चे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओनली वन टाइम है, इसको लिख दीजिए बी सी। अब बी सी को देखिए, ये बी सी किस टर्म, ये टर्म माइनस की और ये वाली बी सी प्लस की है, ये दोनों आपस में कैंसिल। लास्ट टर्म बची माइनस सी स्क्वायर क्लियर। सो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पहले मैंने स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली और लास्ट में दूसरी लिख ली, ये हमारा आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज नंबर 9.4।